सेट को सीरियसली लेना है, डजेंट मीन्स कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपसे यूं ही हो जाएगा, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आई एम निकिता सारस्वत, करियर साइकोलॉजिस्ट एट प्रूटिस आईएएस। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसेट यूपीएससी। आप सभी को जैसे कि पता है कि जो सीसेट है आपका, वो आपका प्री का पार्ट है, प्रीलिम्स का पार्ट है, जिसका जिसे हम क्या कहते हैं, जीएस पेपर टू भी कहते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ योर प्रीलिम्स। तो जो सीसेट का आपका पेपर है, वैसे तो वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो स्टूडेंट्स, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि हम सीसेट तो बहुत ईजी क्रैक कर ही लेंगे। बट जो मेजर बात ये है कि अगर आप प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है, तो आप मेंस के लिए नहीं बैठ सकते। जबकि आपका सीसेट में सिर्फ आपको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, 33% चाहिए होता है। बट उसके लिए भी आपके पास पूरी एक रोबस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से सीसेट को प्रिपेयर करना है, राइट? अगर आप सीसेट क्वालिफाई करते हैं, तभी आपका प्री का पेपर चेक होगा, उसके बाद ही आप मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि आप किस तरीके से सीसेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम पहले बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको सीसेट को सीरियसली लेना है, डजेंट मीन्स कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपसे यूं ही हो जाएगा, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको इसके अंदर कितना ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, तो आपको क्या करना है, अपने आप को सबसे पहले तो इवेल्यूएट करना है। आप अगर सीसेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप को कितना नॉलेज है या फिर आप कितना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने आप को इवेल्यूएट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का मॉक टेस्ट हो गया या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, उन्हें एक बार ट्राई करना है करके। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर आप क्वालिफाइंग से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स आपको इसमें मैक्स टू मैक्स 3 to 4 months का प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप उससे नीचे सिक्योर कर रहे हैं, एवरेज के मिड में आ रहे हैं, तो उस केस में आपको सीसेट पे ध्यान ज़्यादा देने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल खरीदनी है। जैसे कि हम प्लूटेस आईएएस में भी देते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 13 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट होता है आपका, जिसके अंदर टॉपिक वाइज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेग्रीगेटेड होते हैं। अलॉन्ग विद दैट उसका आपको आंसर्स, डिटेल्ड आंसर मिलते हैं, जो कि आपका मोर देन इनफ होते हैं, राइट? तो आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल खरीदनी है, ताकि एक आपको आइडिया लग सके। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देने। जैसा कि जो आपका सीसेट का पेपर है, इसमें आपका लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स आता है, तो इन सारे में आपको क्या चाहिए होता है, यू नीड प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस आपको चाहिए। तो डेली प्रैक्टिस आपको कैसे कर सकते हो, या आप अपने आप को कैसे इवेल्यूएट कर सकते हो, बाय गिविंग मॉक टेस्ट रेगुलरली, राइट? अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्जेक्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करेंगे सीसेट को। तो अगर हम मैं पहले बात करते हैं, तो सबसे पहला पोर्शन जो अपना आता है, वो कॉम्प्रिहेंशन इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। तो हम न्यूज़पेपर्स तो जीएस के लिए पढ़ते हैं, राइट? जीएस के लिए जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, राइट? तो वो जो एडिटोरियल्स हैं, वो आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ आपसे पहले, तो आपको लग रहा है कॉम्प्रिहेंशन ही तो है, उसके आंसर्स तो हम पढ़ के तुरंत दे देंगे। बात जो है वो ये नहीं है कि आप आंसर्स तुरंत दे देंगे, बात ये है कि आप कितने टाइम में दे पाएंगे, राइट? अगर आप उस सेम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो अपना पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को डेली हैबिट में लाना पड़ेगा। तो आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं न्यूज़पेपर से, हम न्यूज़पेपर्स तो ऑलरेडी पढ़ते हैं जीएस के लिए, राइट? तो आप साथ में इन एडिटोरियल्स को जब इस तरीके से पढ़ोगे कि आप पूरा कॉम्प्रीहेंड कर पाओ उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको डेली बेसिस पे लानी है। लेकिन आपको मैगजीन्स पढ़नी है,
अब कुरुक्षेत्र योजना सेम वही मैं बात करती हूँ कि वो आपका जीएस के लिए भी काम आ रही है, सेम विल हेल्प यू फॉर सी सेट ऑल्सो, बट उसको थोड़ा स्लाइटली सी सेट के अप्रोच से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है, राइट। उसके बाद आपको किस पे वोकैब पे अपने वर्क करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी थोड़ी बूस्ट करनी है ताकि आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो राज्यसभा लोकसभा की डिबेट्स होती है उनको रेफर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो मेजर जितनी भी चीज़ें हैं ये हम प्रीटेस्ट आईएएस में आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स मिलती हैं उनसे आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें आपको इन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन एक साथ मिल जाता है, राइट। उसके अलावा एडिटोरियल्स और ये सब चीज़ें हैं वो आप न्यूज़पेपर से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या करना है। आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेना है, उनकी प्रैक्टिस से ही आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो 13 ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दैट इज़ मोर देन इनफ, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फिर देखनी है, राइट। उसमें अपने आपको अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। अगर मैं नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन है उसकी बात करूँ कि जनरल मेंटल एबिलिटी कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब इसमें आता क्या गया ये समझते हैं। तो बेसिक न्यूमरेसी आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन आती है जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे नंबर्स हो गए, रिलेशंस हो गए नंबर्स के, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, ग्राफ्स है, जो आपका चार्ट्स हैं, डेटा सफिशिएंसी है, टेबल्स है। आपका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो सिर्फ अप टू 10th होता है, तो आप समझ सकते हैं ये आपका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ईजिली आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको पढ़ना कैसे शुरू करना है, सबसे पहले जब भी हम 10th तक की मैथ्स के लिए भी जाते हैं या न्यूमरेसी में जाते हैं बेसिक कैलकुलेशन, तो आपको सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो आपका बेसिक मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका टाइम एंड वर्क हो गया, राइट, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये बेसिक चीज़ों पर आपको पहले कमांड करनी पड़ेगी। मैथ्स को करने के लिए या मेंटल एबिलिटी को करने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप इन बेसिक चीज़ों पर अपनी कमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग इसी जो आपका मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है ये आप कहाँ से उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सी सेट के लिए कहा जाता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं और उन्हें करते हैं तो वो मोर देन आपके इनफ होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, एट लास्ट आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट आपका ये रहता है कि आप अपना वो 2 आवर्स की लिमिट में सारा कंप्लीट कर पाते हैं, पूरा पेपर फिनिश कर पाते हैं, वो एक मेजर चीज़ होती है मॉक टेस्ट, वो उसमें आपको हेल्प करता है। दूसरा आपको ये बताता रहता है टाइम टी कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज हैं, किन किन वीक एरियाज पे आपको ज़्यादा काम करना है, राइट, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, किन को आपको थोड़ा और ठीक करना है, तो ये मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं आपके। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको सी सेट के रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप न्यूटेस्ट आईएएस के सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, ये हमारा मेल आईडी है, अलॉन्ग विद दैट ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि सी सेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको एक स्ट्रक्चर लर्निंग चाहिए तो प्लूटेस आईएएस एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है जो कि आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आप उसकी और डिटेल्स जानने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।